ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 मई सोमवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए सोमवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों, आज आप अपने सभी कार्य को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा करेंगे जिससे आपकी छुपी हुई योग्यता व प्रतिभा सबके सामने आएगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा। घर की सुख सुविधा संबंधित वस्तुओं की खरीदारी में भी आज समय व्यतीत होगा। आप अपने विश्वास व कार्य क्षमता द्वारा स्थितियों को और अधिक बेहतर बना पाने का प्रयास करेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। पैतृक प्रॉपर्टी संबंधित अगर कोई मामला रुका हुआ है तो आज उस पर ध्यान केंद्रित करें, सफलता के योग बन रहे हैं। धार्मिक संस्था के प्रति तन और मन से सहयोग देना आपको खुशी प्रदान करेगा, साथ ही समाज में भी मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रयासरत हैं तो आज का दिन आपके लिए काफी शुभ है, आज उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आज का दिन समाज सेवी संस्थाओं के साथ मदद में व्यतीत होगा तथा धर्म कर्म संबंधित कार्यों में आपकी रुचि अधिक रहेगी। युवा वर्ग अपनी मेहनत के अनुरूप शुभ परिणाम मिलने से तनाव मुक्त रहेंगे। अपनी पिछली गलतियों से सीखकर आप अपने कार्य संबंधित योजना में परिवर्तन लाएंगे जो बेहतरीन साबित होंगे। भाई बहनों के साथ चल रहा कोई वाद आपसी समझबूझ से आज हल हो जाएगा। आज अधिकतर काम मन मुताबिक तरीके से संपन्न होते हुए आपको प्रतीत होंगे जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात खुशी और ताजगी प्रदान करेगी और आप अपने काम पर और अधिक एकाग्रता से ध्यान दे पाएंगे। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन सिद्ध होगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों, आज व्यावसायिक गतिविधियां पूर्ववत ही रहेंगी, मेंटेनेंस संबंधित कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए तरक्की संबंधित आज योग बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा, परंतु अपने क्रोध और जल्दबाजी वाले स्वभाव पर नियंत्रण रखें। आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ भी कोई कहासुनी होने की आज आशंका है जिससे रिश्ते में कड़वाहट आएगी। दोस्तों, साथ ही साथ दिखावे की वजह से व्यर्थ की फिजूल खर्ची भी हो सकती है, थोड़ा सावधान रहें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही ना बरतें, किसी नजदीकी रिश्तेदार के साथ मन मुटाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, थोड़ी सी सावधानी रिश्ते को बिगाड़ने से बचा सकती है। दोस्तों, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आप ना लें, किसी प्रकार का झूठा आरोप प्रत्यारोप आप पर लग सकता है, किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह पर ध्यान ना देकर अपनी बनाई हुई नीतियों पर ही कार्य करें। कुछ कार्य समय पर पूरा ना होने के कारण आज तनाव रह सकता है, इसलिए अपने ऊपर काम का अधिक बोझ ना लें। बेहतर होगा कि सबसे पहले महत्वपूर्ण काम निपटा लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है।
दोस्तों पारिवारिक वातावरण आज खुशनुमा रहेगा, साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह परिवार पर बना रहेगा। पति पत्नी के बीच किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर कहा सुनी हो सकती है, परंतु जरा सी समझदारी से वातावरण पुनः सहज हो जाएगा। घर परिवार तथा व्यापार संबंधित सभी कार्यों में जीवन साथी का भरपूर सहयोग रहेगा और आपसी भावनात्मक संबंध भी मजबूत होंगे। परिवार के साथ मनोरंजन व डिनर के लिए जाना यादगार पलों में शामिल होगा। पति पत्नी के संबंधों में नजदीक आएंगी, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को ताजा करेगी। दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। दोस्तों इस दिन का आपको अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय कैरियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों नवीन कार्य संबंधित आपने जो योजना बनाई है उस पर एकाग्रचित होकर काम करें। आमदनी में आज वृद्धि होगी तथा आय के नए स्रोत खुलेंगे। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए भी परिस्थितियां आज काफी अनुकूल हैं। व्यवसायिक गतिविधियां पूर्ववत ही रहेंगी। मेंटेनेंस संबंधित कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए अपने बजट का आप ध्यान अवश्य रखें। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए तरक्की संबंधित आज योग बन रहे हैं। नए प्रभावशाली संपर्क बनेंगे। व्यापार से संबंधित अधिक से अधिक प्रचार करें। वर्तमान परिस्थितियां आज आपके पक्ष में हैं। आपके सभी काम आज सफलतापूर्वक पूर्ण संपन्न होंगे। मार्केटिंग संबंधित कार्यों में आज अधिक समय व्यतीत करें तथा अपने संपर्क सूत्रों को भी मजबूत करें, इनसे आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों को अपने बेहतरीन परिणाम देने से उपलब्धि प्राप्त होगी। अपनी कार्य क्षमता और मेहनत पर ही विश्वास रखें। किसी के हस्तक्षेप से आपकी योजनाएं वे कार्य बिगड़ सकते हैं। वैसे तो व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से आज चलती रहेंगी। कार्य क्षेत्र में हर गतिविधि पर नजर रखें। आपकी कोई महत्वपूर्ण बात आज लीक हो सकती है, इसलिए अपनी कार्य प्रणाली को गुप्त तरीके से रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। आज आपके स्वास्थ्य के सितारे आपका भरपूर साथ देंगे। दोस्तों आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज कोई भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। साथ ही साथ दोस्तों अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों आज आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भगवान शिव के शिव रक्षा स्रोत का पाठ अवश्य करें। या दोस्तों ऐसा करने से भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न होंगे, आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे। जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं सभी परेशानियों का अंत करेंगे, और ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।